सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को महाराजगंज जिले को 940 करोड़ की सौगात दी। सीएम ने यहां 505 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। देश में परियोजनाओं के कुशल संचालन और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने में भारत सरकार अग्रणी भूमिका निभा रही है। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है, विकास और रोजगार के अवसर खोलने के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसमें केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, हमारे स्थानीय निकाय की समितियों का, ग्राम पंचायतों और आम नागरिकों की भी भूमिका इसमें हो सकती है। यह आज हम सबके लिए एक विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। कार्यक्रम में सीएम योगी ने मेघावी छात्रों को लैपटॉप का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आज गांव-गांव में सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, जिनसे जनमानस को लाभ मिल रहा है। सीएम योगी ने चौक बाजार नगर पंचायत के कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर 2020 में आपका चौक नगर पंचायत बना और मात्र 4 साल में 3,704 लोगों को एक ही आवास इस नगर पंचायत में प्राप्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को विकास को विरासत के साथ जोड़ने का एक आह्वान करते हुए 2047 में भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का आह्वान किया। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए हम सब के स्तर पर क्या प्रयास होना चाहिए, यह आज के अवसर पर आत्मावलोकन की आवश्यकता है। याद करिए, सरकार अपना कार्य कर रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के अपने अपने कार्य को आगे बढ़ा रही है। युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं आईटीआई, कहीं पर बेसिक शिक्षा के स्कूल, कहीं ग्रामा से विद्यालय, कहीं मुख्यमंत्री कम्युनिटी स्कूल, कहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कहीं पीएम श्री विद्यालय, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं पर उद्योग बढ़ा करके लोगों के लिए विकास और रोजगार के अवसर खोलने के कार्यक्रम, ये अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन इसमें केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है, हमारे स्थानीय निकाय की समितियों का, ग्राम पंचायतों की और आम नागरिकों की क्या भूमिका इसमें हो सकती है, यह आज हम सब के लिए एक विचारणीय प्रश्न होना चाहिए।